हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को ये झूमर बनाना बताऊंगी। बनाने में भी आसान है और घर में कहीं भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगती है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से बनाया है। और आप इसको किसी के बर्थडे में या कोई भी फंक्शन हो आप इसको तब भी डेकोरेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये इस तरह की प्लेट लेंगे, ये मार्केट में रेडीमेड मिल जाती है इस तरह की, और ये मोती हैं इस तरह के, और ये लटकन है। आप कोई भी अपनी पसंद की या जिस तरह की मिलती है आप उस तरह की लटकन ले सकते हैं। ये स्टार्स है जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बनाने बताए हुए हैं, ये स्ट्रॉ पाइप से बनते हैं। अब चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले सुई लेंगे और इसमें धागा डाल लेंगे। हमने इसमें धागा डाल लिया है। अब सबसे पहले हम इसमें पत्ती डालेंगे और इस तरह से खींचते हुए ये दोनों फंदों के बीच में से निकाल देंगे जिससे कि ये पक्की हो जाए। अब एक मोती डालेंगे। और ये येलो समोसा लिया है हमने, स्टार। फिर से हम एक मोती डालेंगे। हमने इसमें चार मोती और तीन स्टार्स यूज करेंगे एक लाइन में। ये इस तरह से ये हमने इस तरह से डाल लिए हैं। और मोती डाल लेते हैं। और ये इस तरह की ये पाइप्स हैं, ये भी मार्केट में मिल जाती है। इसको हम इस तरह से निकाल लेंगे। आप थोड़ी बड़ी सुई लेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। ये हमने निकाल लिया इसको। अब इसी तरह से हम ये रेड स्टार्स डाल लेंगे ग्रीन मोतियों के साथ में। ये हमने इसको डाल लिया है, बीच में एक ही पाइप डाला है और ये दो दो लाइन इनके स्टार्स की लगाई हैं। और जिस तरह से हमने ये पहले से लगा ली है लटकन से इसमें, इसी तरह से इसको भी लगा देंगे। ये नीचे से डाल के इस तरह से, और इसको थोड़ा कस के गांठ लगा देंगे जिससे कि खुले ना। अब
और इस तरह से फंदा लगा देंगे। और कट कर लेंगे। ये इसी तरह से आपने सारी लटकन लगा लीजिए पहले राउंड की। अब हम ये दूसरी लाइन शुरू करेंगे। इस बार हमने ये व्हाइट पत्ती ली है, आप चाहे तो कोई भी कलर की जो आपको अच्छी लगती है वो ले सकते हैं। और इसी तरह से हमने इसको भी फंसा लिया है। और इसी तरह से ये मोती डालेंगे जैसे कि हमने बताया था। इस बार हमने ये ग्रीन स्टार्स भी यूज किए हैं। और इनको भी इसी तरह से हम लगा लेंगे। जैसे हमने ये येलो वाले लगा रखे थे, इस बार हमने इसमें ये दो पाइप्स लगाई हैं और तीन लाइन स्टार्स की लगाई हैं। ये बीच में दो पाइप लगाए हैं और ऊपर वाले में खाली एक ही पाइप लगाया है। हमें ये लटकन पहले वाले पाइप से बड़ी बनानी थी, इसलिए हमने इसमें दो पाइप लगाए हैं। और इसको ये इस तरह से अंदर से लगाते हुए, ये देखिए इससे बड़ी बनी है। इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ से सुई को नीचे की तरफ डालते हुए इस तरह से इसको जॉइंट कर लेंगे। इसमें ये इससे इतनी बड़ी है। अब हम इसमें मोती डालेंगे। और अब जो हम डालेंगे इसमें समोसा, उल्टी साइड से डालेंगे, इधर से नहीं डालना है, उल्टे साइड से डालना है, क्योंकि उल्टे साइड से डालेंगे तो ये सीधा आ जाएगा, क्योंकि हम ये लाइन अब ऊपर से बना रहे हैं, इसलिए ये इसके बराबर में इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से हम ये डालते चले जाएंगे, उल्टे साइड से डाल रहे हैं। देखिए पहली लाइन में सीधे साइड से डाला था और हम अब उल्टे साइड से डाल रहे हैं। और इसी तरह से लाइन कंप्लीट कर लेंगे। ये हमने लाइन को कंप्लीट कर लिया है जैसे कि हमने ये पहली लाइन बनाई थी। और अब हम इसमें पत्ती लगाएंगे। पत्ती लगाने के लिए देखिए इस तरह से पत्ती को डाला। और इसमें एक फंदा लगा लिया। इस तरह से मजबूत हो जाएगी। आप चाहे तो अलग अलग धागों में भी लगा सकते हैं इसको, या फिर एक साथ दो लाइनें कंप्लीट कर सकते हैं जैसे मैंने की है। और इस तरह से ये दो लाइनें बन गई हैं। अब हम इसी तरह से सारी लाइनें बना लेंगे जैसे कि हमने ये बनाई है।
ये देखिए हमने इस तरह से सारी लाइनें कंप्लीट कर ली हैं अंदर वाले सेकंड राउंड की। इस तरह से देखिए, और ये सभी हमने लगा लिए हैं। अब हम इसमें भी लगा देंगे। इसमें एक साथ दो लाइनें लगाने से आपको धागा कट नहीं करना पड़ेगा और ये ऊपर अपने आप ही लग जाएगा। ये हमने सारी लाइनें कंप्लीट कर ली हैं। अब हम ये तीसरा राउंड बनाएंगे। तीसरा राउंड बनाने के लिए हमने भी फिर से धागा लिया है और ये इस तरह की पत्ती जैसे कि हमने पहले बताया था इसी तरह से लगाएंगे। और ये मोती, इस बार हम एक और लाइन बढ़ा देंगे स्टार्स की। और इस बार हमने ये ऑरेंज समोसे लिए हैं स्टार्स। आप चाहें तो दो कलर का भी बना सकते हैं। मैंने इसमें तीन चार कलर यूज़ किए हैं। इसी तरह से जैसे कि मैंने बताया था ये देखिए मैंने चार जगह ये समोसे यूज किए हैं और स्टार्स, और तीन लाइन पाइप की लगाई है। और इनको आराम से इस तरह से खोलें कभी टूट जाए। और इसी तरह से इसको बीच में से लगा दें और वापस इसी में से घुमा लें। इसमें भी गांठ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी तरह से जैसे कि बताया था उल्टे स्टार्स डालने हैं। हमने जो कलर चेंज किया है वो नीचे की लटकन्स का यूज़ किया है। हमने जो कलर ऊपर लगा रखे थे वो वैसे की वैसे ही आएंगे पूरी झूमर में। जैसे रेड कलर ऊपर लगाया था तो रेड कलर ऊपर ही आया है हमारा, और इसी तरह से आना चाहिए, नहीं तो ये थोड़ा ऑड लगेगा। ये हमने इस तरह से बीच वाली लाइनें भी कंप्लीट कर ली हैं। अब हम ये लास्ट की लाइन बनाएंगे। पहले हम इसमें ये हैंग करने के लिए बना देते हैं। मोती डाल के हमने इसमें गांठ लगा ली है। ये इस तरह से, और ये यहाँ से निकाल लेंगे इसको बीच से। अब हम इसमें एक पाइप डाल देते हैं। और एक पर्दा होल्डर वाला जो हुक आता है वो ले लीजिएगा इस तरह का। इससे आपको कहीं भी झूमर हैंग करने में आसानी होगी। और इसमें गांठ लगा लीजिए।
अब इसमें हम एक और पाइप डालेंगे। और ये चार होल छोड़ के चार या पांच सुई को वापस निकाल लेंगे। ये नीचे किसी भी लाइन में फंसे ना, नहीं तो लाइन भी सिल जाएगी। और इसको इस तरह से हमने चार होल आगे और निकाल लिया है और एक और पाइप डाला। और अभी हम इन तीनों को आपस में बांध लेंगे। इस तरह से गांठ लगा दें, या फिर बड़ा धागा है तो सुई से ही गांठ लगा दें। इस तरह से अब हम इसकी एक बीच वाली लटकन और बनाएंगे। ये जो बीचों बीच है, इसके लिए हमने बीच में एक मोती फंसा लिया था और ये तब लटकन बनाई थी क्योंकि इसमें गांठ लगाने के लिए स्पेस नहीं था। ये हमारी झूमर बन चुकी है इस तरह से। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बाय बाय।